अब हम सेकेंडरी आए थे विच इज कि अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर देख रहे थे, एच हटने वाली रिएक्शन। अल्कोहल से एच हटेगा, आर ओ नेगेटिव बनेगा और एच पॉजिटिव बनेगा। डन, इसे कह रहे हैं एसिडिक कैरेक्टर इन अल्कोहल। बच्चों इस रिएक्शन में हमने कल पहला पॉइंट ये पढ़ा था, चाहे आप दोबारा समझ लो, कि ये इंटरमीडिएट है और इस इंटरमीडिएट में माइनस चार्ज है। बेटा चार्जेस आर द कॉज ऑफ अनस्टेबिलिटी, चार्जेस की वजह से ये चीजें अनस्टेबल होती है। ये लगा है एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप बेसिकली इलेक्ट्रॉन देते हैं कंपैरिजन में, प्लस आई इफेक्ट है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसका चार्ज बढ़ जाएगा, चार्ज बढ़ने का मतलब और अनस्टेबल हो जाएंगे, तो इंटरमीडिएट अनस्टेबल हो गए। तो जितना एल्काइल ग्रुप बड़ा होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्काइल ग्रुप, जितना पुशिंग वाले ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन पुश करने वाले, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्लस आई। जितने प्लस आई ग्रुप बढ़ते जाएंगे उतना इस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। और अगर इंटरमीडिएट अनस्टेबल है तो ये रिएक्टिव नहीं है। इंटरमीडिएट जब स्टेबल होता है तो कंपाउंड रिएक्टिव होता है। तो बेसिक पॉइंट क्या आया कि अगर आपका प्लस आई ज्यादा है तो इंटरमीडिएट अनस्टेबल हो गया, और अगर आप चाहते हो रिएक्ट करें जल्दी से जल्दी इसे बनाए तो आपको इंटरमीडिएट को स्टेबल करना है, और इसे स्टेबल करने के लिए चार्ज कम करना है, और इसे कम करने के लिए या तो प्लस आई इफेक्ट कम होना चाहिए या माइनस आई लगा हो ज्यादा से ज्यादा। भैया ये नेगेटिव चार्ज खींचने के लिए कौन से ग्रुप चाहिए, माइनस। तो एक सिंपल लैंग्वेज में इस पूरे का जो रिजल्टेड था वो ये था कि एसिडिक कैरेक्टर जब भी देखें, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। जितना एल्काइल ग्रुप बड़ा होगा एसिडिक कैरेक्टर कम होगा, जितना एल्काइल ग्रुप बल्कि और ब्रांच होगा उतना एसिडिक कम होगा। तो एसिडिक कैरेक्टर के लिए प्लस आई कम या माइनस आई ज्यादा चाहिए। तो एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, इस पूरे का मतलब ये। ठीक, फिर हमने कहा अगर एल्काइल ग्रुप 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, इसमें प्लस आई का ऑर्डर ये है, ये प्लस आई का, इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर ये है। बोलो बच्चों क्लियर है? तो प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होते हैं, जो जितना हल्का अल्कोहल है उतना ज्यादा एसिडिक है, लाइटर द अल्कोहल मोर द एसिडिक कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि एसिड का ये रीजन है इंटरमीडिएट स्टेबल होगा। तो जितना अल्कोहल हल्का होगा उसका इंटरमीडिएट उतना ज्यादा स्टेबल होगा, और इंटरमीडिएट स्टेबल और कंपाउंड एसिडिक। यहां तक क्लियर है सबको? तो कल का ये जो हमने लास्ट वर्ड पढ़ा था एसिडिक कैरेक्टर का, उसमें बच्चों ये भी था, एक बार दोबारा एग्जांपल लिख दे रहा हूं कि अगर ये लिखा है मिथाइल अल्कोहल और ये लिखा है इथाइल अल्कोहल एंड सो ऑन, और आपसे पूछे कि कौन ज्यादा एसिडिक है, तो आप ये देखेंगे मिथाइल और इथाइल, ये बल्कि हो गया। बल्कि होने से एसिडिक कैरेक्टर कम होता है। क्यों? क्योंकि बल्कि होने से प्लस आई बढ़ जाता है, और प्लस आई बढ़ने से एसिडिक कम, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, 1 propanol 2 propanol, अब की बल्कनेस बराबर है, विच इज मोर एसिडिक, 1 propanol 2 propanol, राइट? 1 propanol इज मोर एसिडिक क्योंकि ये 1 degree है और ये 2 degree है, और सेकेंडरी होने की वजह से प्लस आई इस कार्बन पे ज्यादा है, ये प्राइमरी है तो प्लस आई कम है, और जिसका प्लस आई कम है उसका एसिडिक ज्यादा है। वेरी गुड बेटा, तो 1 propanol इज मोर एसिडिक देन 2 propanol। क्लियर है यहाँ? सपोज एक मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, अगर यहाँ OH लगा है और यहाँ पे भी OH है, बट यहाँ Cl और यहाँ CH3 है, विच इज मोर एसिडिक। तो अगर एक में मतलब इतनी यूनिट मैंने कॉमन रखी है और यहाँ CH3 लगा है, यहाँ Cl, कौन ज्यादा एसिडिक है? अगर आपको समझ में आया तो Cl वाला ज्यादा एसिडिक है। रीजन, ये माइनस आई ग्रुप है और ये प्लस आई, प्लस आई डिक्रीजेज एसिडिक कैरेक्टर, माइनस आई इंक्रीजेज एसिडिक कैरेक्टर। समझ में आया? तो जितना माइनस आई का ग्रुप आएगा उतना एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, जितना प्लस आई का ग्रुप आएगा उतना एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। फॉलोड बाई, कल हमने अगला पॉइंट ये पढ़ा था कि अगर एक एरोमेटिक यानी फिनॉल आ जाए और एक एलिफैटिक यानी अल्कोहल आ जाए तो कौन ज्यादा एसिडिक है। तो हमने कहा था फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। रीजन है कि फिनॉल का इंटरमीडिएट फिनॉक्साइड आयन होता है और इसमें रेजोनेंस है, नेगेटिव सिंगल एंड डबल।
क्योंकि इंटरमीडिएट में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, यानी इसका इंटरमीडिएट स्टेबल. अगर बेटा इंटरमीडिएट स्टेबल और कंपाउंड रिएक्टिव है तो फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरमीडिएट. बोलो यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब इसी को कई बार टीचर्स घुमा के पूछ लेते हैं थोड़े अलग वर्ड में. जैसे उन्होंने सिंपल क्वेश्चन ये दे दिया, बेटा इट इज वन ब्यूटेनॉल. ठीक है, इसे वन ब्यूटेनॉल या नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल कह देंगे. फिर कह देंगे आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल. ध्यान से देखो, बोथ आर प्राइमरी अल्कोहल. ठीक है, बोथ आर प्राइमरी अल्कोहल विच हैव मोर के ए. बताइए किसका के ए या डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ज्यादा होगा? विच शुड हैव मोर के ए, बताइए किसका के ए ज्यादा होगा? तो आपको बेसिकली क्या समझना है कि के ए का मतलब क्या है? डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, दैट इज मोर द डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, मोर द एसिडिक कैरेक्टर. बेसिकली ये एसिडिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो यहां वर्ड चेंज किए कि कौन ज्यादा एसिडिक है, ये ना बोल के कि के ए किसका ज्यादा है. तो आप कहेंगे वन ब्यूटेनॉल इज मोर एसिडिक, तो मोर एसिडिक मोर के. तो आपको क्या याद रखना है, एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी. तो अगर पी के ए पूछा है तो इनवर्सली है. तो ये ध्यान रखना, कई बार पी के ए के टर्म्स में दिया होता तो उल्टा हो जाएगा, जिसका पी के ए ज्यादा है उसका एसिडिक का. बोलो क्लियर है? ये वाली लाइन लिख ली आपने, एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के. ठीक है, अब पी के ए के टर्म्स में अगर कहूं, सपोज एक अल्कोहल उन्होंने ए दे रखा है, एक बी, इसका पी के ए टू है, इसका थ्री है, और पूछा विच इज मोर एसिडिक, पी के ए की ऐसे वैल्यू होगी, तो विच इज मोर एसिडिक. समझ में आया? के ए ज्यादा है तो एसिडिक ज्यादा है, लेकिन पी के ए कम है तो ऐसे. क्लियर हो गया? याद रखना बड़ा आसान है. यहां क्या लिखा है, पी पी के. समझ में आ रहा? भावनाओं से जोड़ो तो समझ में आ जाएगा, ये दो ये तीन. समझ में आ रहा? अभी होश में कौन है, वही तो एसिडिक ज्यादा. ठीक है, ये तो बेहोशी की तरफ जा चुके हैं. ठीक है, ये तो थ्री डिग्री तक पहुंच चुके हैं. ठीक है, अभी ये होश में. तो जितना कम पी है उतना बढ़िया है, जितना ज्यादा पी में चला गया उतना गड़बड़ हो जाएगा. समझ में आ गया ना? चलिए, फोन अपने आप बैठ गया, बेटर. नेक्स्ट, अगले पॉइंट पे आइए. अब हम कल ये डिस्कस कर रहे थे, विच इज जस्ट मोर इम्पॉर्टेंट, कि ये फिनॉल है और इस फिनॉल का ये एक डेरिवेटिव है, सपोज मिथाइल फिनॉल. पहले इजी रखेंगे फिर बढ़ाएंगे. और अब इन दोनों में क्वेश्चन है विच इज मोर एसिडिक. कल हमने थोड़ा जल्दी की थी, इकट्ठे चारों बता दिए थे, दैट्स नॉट द करेक्ट वे. दो दो करके करिए, आपको अपने आप समझ में आ रही. अब बताइए इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है. वेरी गुड बेटा, यू यहाँ पे फिनॉल फिनॉल तो कॉमन है, फिर ये मिथाइल का अंतर है. तो यू हैव टू फोकस कि मिथाइल ग्रुप कैसा है, प्लस आई और प्लस एम है. अब इसमें आपने पहले तो आइडेंटिफाई करना पोजीशन कौन सी है, ऑर्थो एंड पैरा. ऑर्थो एंड पैरा पे मीजोमेरिक इफेक्ट भी लगता है और इंडक्टिव भी लगते हैं, दोनों इफेक्ट लगते हैं. लेकिन ऑब्वियसली मीजोमेरिक इज डोमिनेंट, तो मीजोमेरिक को पहले प्रिफर करेंगे फिर इंडक्टिव. अब बात करो ये CH3 कैसा ग्रुप है, CH3 कैसा ग्रुप है, ये प्लस M है एंड प्लस I. और ये जो प्लस वाले ग्रुप हैं ये हमेशा एसिडिक कैरेक्टर घटाते, ये वाले ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर घटाते. तो भैया ये वाला जो CH3 आया है ये एसिडिक घटाएगा. जब ये ऑर्थो पे लगा है तो प्लस एम है और प्लस आई भी है, तो भैया ये एसिडिक कैरेक्टर घटा रहा है, चाहे इसको कहो चाहे इसको कहो, दोनों की वजह से घटा रहा है. यहां पर यह लगा ही नहीं है, यहां पर यह ग्रुप है ही नहीं, तो इसका मतलब ये ज्यादा एसिडिक ये कम. पहले दो क्लियर है,
मैं दो दो करके कराऊंगा, जल्दी समझ में आएगा। पहले दो क्लियर है, क्या कारण है भैया ये एसिडिक कम क्यों हो गया? ये एसिडिक कम इसलिए हो गया कि इसमें कौन ग्रुप लगा है, CH3, और CH3 कैसा है, प्लस ग्रुप है, चाहे एम है या आई है तो प्लस वाला, और यहाँ वो प्लस वाला ग्रुप नहीं है, और ये ग्रुप एसिडिक घटाता था तो इसके मुकाबले एसिडिक कम। तो इट इज ओवरऑल कंपेरेटिव, इससे कंपैरिजन करना। बोलो बच्चों कोई दिक्कत? पहले दो क्लियर है, इन दो में कोई डाउट? क्लियर है ना? अब हम अगर बात करें, मैं इसी में थोड़ा थोड़ा चेंज करके कराना चाहूंगा बेटा। अगर हम अब बात करें कि ये भी फिनॉल और यहां पे CH3 लगा है मेटा पे, और यहां CH3 लगा है पैरा, दोनों में CH3 लगा, अब कौन ज्यादा एसिडिक है और क्यों? मेटा ज्यादा एसिडिक है, वेरी गुड। क्यों? आंसर इनका सही है, बहुत बढ़िया। जिस भी बच्चे ने कहा बिल्कुल सही कहा है कि मेटा पोजीशन पे सिर्फ प्लस आई लगता, जबकि पैरा पोजीशन पे प्लस एम और प्लस आई लगेगा। आपका कहना सही है कि इंडक्टिव इसका ज्यादा है इसके कंपैरिजन, लेकिन मेटा पोजीशन पे कभी मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता। मीजोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट्स ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा। तो यहां ये जो मीजोमेरिक लगेगा इट इज पावरफुल इफेक्ट, ये डोमिनेंट इफेक्ट है, और ये मीजोमेरिक क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली जंप कराता है, मीजोमेरिक। इंडक्टिव तो सिर्फ पुश करता है, तो मीजोमेरिक इज अ पावरफुल इफेक्ट देन इंडक्टिव। तो प्लस एम यहां लग रहा है, यहां नहीं लग रहा, और प्लस एम एसिडिक घटा दो, और इसलिए मेटा वाला ज्यादा है। बोलो क्लियर है? कोई डाउट आया समझ में? थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आया, क्लियर है? चलिए, अब मैंने इसको यहां से हटा के ऑर्थो पे लगा दिया, सेम ग्रुप बेटा ऑर्थो पे लगाया है, और वही सेम ग्रुप है, वही सेम पोर्शन है, दैट इज ऑर्थो पे भी CH3 है, पैरा पे भी। अब एक मिनट रुक जाते हैं, जल्दबाजी नहीं करते, देख लेते हैं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ भैया, लास्ट मिनट बेटा, गर्ल्स लास्ट बताओ, बाकी क्यों बोल रहे? पैरा ज्यादा एसिडिक क्यों? वेरी गुड, बिल्कुल सही है। मीजोमेरिक की अब बात ही नहीं करनी, क्यों नहीं करनी? मीजोमेरिक इसका और इसका बराबर है, वेरी गुड, मीजोमेरिक दोनों का बराबर है, और अब हमें बात करनी है सिर्फ इंडक्टिव, और इंडक्टिव इसका ज्यादा है इसका कम है। तो इनका आंसर सही है, प्लस एम इफेक्ट डिक्रीजेस विद डिस्टेंस, यहां प्लस एम कम है, प्लस एम कम है तो एसिडिक ज्यादा है, इसलिए ये ज्यादा है। बोलो भैया क्लियर है? ये क्वेश्चन पूरा क्लियर है? कोई डाउट है? चलिए, अब मैंने चारों दोबारा लिख दिए, और अब आप एनालाइज करके आंसर बता दिए। ये मैंने चारों दोबारा लिखे हैं, और कल वाला ही क्वेश्चन जानबूझ के रिपीट किया है कि बेटा आपको ज्यादा समझ में आ जाए। ये फिनॉल ग्रुप है चारों, एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं पोजीशंस में। कल हमने इधर ऑर्थो मेटा पैरा लगाए होंगे, मैं जानबूझ के आज पहले इधर मैंने मेटा पे लगाया है, फिर पैरा पे लगाया, फिर नहीं लगाया, फिर ऑर्थो पे लगाया, जानबूझ के फंबल करके दिया है, और नंबर 1, 2, 3, 4 दिए हैं, ठीक है, कि रटा हुआ आंसर कोई ना बोले। अब बताइए इसका ऑर्डर या आंसर क्या? आराम से कॉपी में लिख लो बेटा, बेटा लिख ले कॉपी में। देखिए एक दो बच्चों का आंसर एकदम सही है, थर्ड वाला मोस्ट एसिडिक है, थर्ड के बाद फर्स्ट वाला है, फर्स्ट के बाद फोर्थ वाला है, और सबसे कम एसिडिक थर्ड, पर ये सेकंड का, और सबसे कम एसिडिक फोर्थ है। तो 3, 1, 2, 4 बिल्कुल सही आंसर दिया है। एक दो बच्चों ने भी एक बच्चे ने पूछा है कि कब कौन सा इफेक्ट नेग्लेक्ट करते हैं, तो बेटा इन जनरल मीजोमेरिक इफेक्ट के सामने इंडक्टिव को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कैन देयर बी ए क्वेश्चन वेयर वी कैन नेग्लेक्ट एनी और बोथ देम? बेटा अभी देख लेते हैं, शायद आप क्या कह रहे हो, कैन देयर बी ए क्वेश्चन वेयर वी नेग्लेक्ट दिस और दैट? इन जनरल हम ये कहते हैं कि इंडक्टिव
नेग्लेक्ट करती है विद रिस्पेक्ट टू मीजोमेरिक, अगर मीजोमेरिक लग रहा हो, एक्सेप्ट वन, एक जगह क्लोरीन, अगर क्लोरीन आता है तो दोनों इफेक्ट को पैरेलल मानते हैं, इंडक्टिव और मीजोमेरिक। तो क्लोरीन के समय खाली आपको ध्यान रखना है, बाकी मैं क्वेश्चन अभी और भी कराऊंगा इस पर चार पांच, तब आप देख लें। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट या पूछना है? और किसी को कुछ डाउट या पूछना है? डन, चेंज करें। चलिए अब पहले हम थोड़ा सा टफ कर ले रहे हैं, क्योंकि अगर वो आपने कर लिया तो मेरे हिसाब से फिर मुझे छोटे छोटे क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन है OCH3, ठीक है, और ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूं। पहले ऑर्थो पे लगा है OCH3, फिर मेटा पे लगा है OCH3, फिर पैरा पे लगा है OCH3, और फिर नहीं लगा है OCH3। ग्रुप लगाया है मैंने OCH3, और तीन पोजीशन पे लगाया है, पहले में ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा, फिर नहीं लगाया। अब अपने आप करो यार, मैं क्यों बताऊं ये कौन सा ग्रुप का कहां से आया है। OCH3 ईथर को कहते हैं हम वैसे तो। अब आप बेटा पहले खुद कोशिश करिए कि क्या होगा। यस, बता दूंगा कौन प्लस है, मैं माइनस है, मैं प्लस आई माइनस आई, पहले खुद कोशिश करिए। डन, बताऊं? नहीं किया। एक बच्चे ने बताया 4, 1, 2, 3। बेटा 4 क्या कहना चाहते हो, मोस्ट कैसे लिखते हैं, गलत है। ये क्वेश्चन बहुत कम बच्चे पहली बार में सही करेंगे, बट लिख सी 4। गलत, 1, 3, 2, 4। गलत, हाँ जी बताइए इसका आंसर। एक बच्चे ने कहा है रिवर्स, बेटा रिवर्स भी गलत है वो, 3, 2, 1, 4 भी गलत है, 4 गलत। एक बच्चा बोला 3, 3, 2 गलत। बस खाली गप्पे मारने बैठे 1, 2, 3, 4, 4, 2, 1। राम लखन पिक्चर रिलीज हो रही है ना, 1, 2 का 4, 4, 2 का 1। चलिए अगर कोई बच्चा 4 को लास्ट में या फर्स्ट में रख रहा है तो गलत, तो इसलिए वो 4, 1, 2, 3, 4 सब गलत। हाँ ठीक है, बता बेटा। चलिए मैं इसका आंसर क्लियर करता हूं आपको। पहला पॉइंट, बच्चे ये सोचने को तैयार नहीं होते ये ग्रुप कैसा, ये ग्रुप है मीजोमेरिक में प्लस एम, यानी इसके पास लोन पेयर है इसलिए, एंड इट इज अ कॉमन सेंस। इंडक्टिव में ये वाला ग्रुप है माइनस आई, क्योंकि ऑक्सीजन इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इंडक्टिव में माइनस आई, इसका मतलब सेकेंड वाला मोस्ट एसिडिक हो गया। क्यों? क्योंकि सेकेंड वाले में मेटा पोजीशन पे OCH3 है और मेटा पोजीशन पे मीजो लगता ही नहीं है, और अगर मीजो नहीं लगता है तो खाली इंडक्टिव लगा, और इंडक्टिव में ये वाला ग्रुप कैसा है, माइनस आई, यानी यहां पे सिर्फ माइनस आई ग्रुप लगा, यहां वो भी नहीं लगा, तो माइनस आई एसिडिक बढ़ाता है, तो इसके मुकाबले ये ज्यादा एसिडिक, तो 2 सबसे ज्यादा, 2 के बाद 4। अब इन दोनों की लड़ाई रह गई, इन दोनों की लड़ाई, तो यहां 1 पहले आएगा फिर 3 आएगा, क्यों? इंडक्टिव तो सॉरी मीजोमेरिक तो बराबर है, जो मीजोमेरिक यहां है वही मीजोमेरिक यहां है, मीजोमेरिक बराबर, खाली अंतर का है में इंडक्टिव में, इंडक्टिव में ये ग्रुप माइनस आई पास में लगा, पास में लगा तो माइनस आई ज्यादा, यहां भी माइनस आई लेकिन दूर है, माइनस आई ज्यादा तो ऐसे देखिए। अब आया, बोलो क्लियर है, फिर से चेक करिए आंसर क्यों आया, कैसे आया। पहले ग्रुप सोचिए, ग्रुप कौन सा है, ये ग्रुप प्लस एम और माइनस आई का है, ऑर्थो और पैरा पे प्लस एम डोमिनेंट रहेगा,
ऑर्थो और पैरा पे प्लस एम डोमिनेंट रहेगा और प्लस एम एसिडिक घटा देगा। तो ऑर्थो और पैरा कम एसिडिक है, इससे कम एसिडिक है ऑर्डिनरी फिनॉल से, क्योंकि ऑर्डिनरी फिनॉल में कोई ग्रुप नहीं लगा, ऑर्थो और पैरा पे प्लस एम लगा। और मेटा वाले में मीजोमेरिक लगता ही नहीं, मेटा में खाली इंडक्टिव लगता है, और इंडक्टिव में ये ग्रुप माइनस आई है, माइनस आई से एसिडिक बढ़ जाता है, तो ये इंडक्टिव रखता है इसके मुकाबले, माइनस आई रखता है इसके मुकाबले, तो इसके मुकाबले ज्यादा एसिडिक, तो इसके टू सबसे ज्यादा एसिडिक, फिर फोर। अब इन दोनों में बात करनी, इन दोनों में मीजोमेरिक बराबर है, इसका इंडक्टिव ज्यादा है और इसका इंडक्टिव कम, इंडक्टिव ज्यादा तो एसिडिक। बोलो क्लियर है? अब क्लियर है, कर लेंगे अभी नेक्स्ट। अब ये अगला वाला क्वेश्चन भी आपसे गलत होने के चांसेस है, बट इसलिए गलत होने के चांसेस है, उसमें एक्सेप्शन है इसलिए, ठीक है? लेकिन अभी मैं सोचता हूँ या मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, और आई होप सो आप बिना एक्सेप्शन के जो भी आप कर सकते हैं करिए। ये है बेटा अगला क्वेश्चन, वही फिनॉल के चार डेरिवेटिव, और वैसे ही चार डेरिवेटिव में ये लगा दिया मैंने NO2 ग्रुप, और यहां NO2 ऑर्थो पे लगा है, यहां मेटा पे लगा है NO2, यहां पैरा पे लगा है और यहां नहीं लगा है। नाउ द क्वेश्चन इज नाइट्रोफिनॉल, इसे नाम से याद रखिएगा, ये नाम से क्वेश्चन ज्यादा आ जाता है, नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो मेटा पैरा और सिंपल फिनॉल, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कहलाता है, नाइट्रो और फिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल एंड सिंपली नाइट्रोफिनॉल, तो सिंपली फिनॉल करी। क्या बोला, फोर सबसे ज्यादा या कम? बोलो ना यार, अपन छुपे हो गए एकदम सही, सही है, उसे अपने विश्वास नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूँ सही है, कह रहा कैसे ऐसा कैसे हो सकता है। डन, बताया जाए, चलिए देख लीजिए बेटा इसका आंसर, इसका आंसर यही है जो ये कह रहे हैं, बस ऑर्डर इंक्रीजिंग में है, मतलब पहले आप NO2 ग्रुप को आइडेंटिफाई करिए, NO2 ग्रुप माइनस एम है और माइनस आई है, अगर ये माइनस एम है और माइनस ही आई है, दोनों ही ग्रुप एसिडिक बढ़ाते हैं, इस पे कोई नहीं लगा तो ये लीस्ट है, फोर इज लीस्ट, क्योंकि ना तो माइनस एम है ना ही माइनस आई, और बाकी तीनों पे माइनस एम माइनस आई है जो एसिडिक बढ़ाएंगे, तो ये लीस्ट एसिडिक है फोर, इससे ज्यादा ही होंगे बाकी। डन, अब ये वाला ग्रुप ऑर्थो, ये वाला ग्रुप पैरा, ऑर्थो और पैरा पे माइनस एम लगेगा, और माइनस एम पावरफुल है माइनस आई से, तो ज्यादा एसिडिक करेगा, यानी इन तीनों में अब कौन कम एसिडिक है, अब इन तीनों में कम एसिडिक कौन है, मेटा, क्यों है मेटा कम एसिडिक, क्योंकि इसमें मीजोमेरिक लगी नहीं रहा, माइनस आई ही है खाली, माइनस एम है ही नहीं, इसके पास माइनस एम है, इसके पास माइनस एम, ये दोनों एसिडिक ज्यादा बढ़ाएंगे, ये खाली माइनस आई है तो कम बढ़ा पाए। बोलो क्लियर है? अब इसके बाद थ्योरेटिकली होना क्या चाहिए, ये दोनों ज्यादा एसिडिक होने चाहिए, और थ्योरेटिकली होना चाहिए थ्री को कम और वन को ज्यादा, क्यों क्यों, क्योंकि माइनस एम तो बराबर है और माइनस आई इसका ज्यादा है, माइनस आई ज्यादा तो एसिडिक ज्यादा, तो ये होना चाहिए मोस्ट एसिडिक, समझ में आया? लेकिन होता उल्टा है, होता उल्टा है, यहां रिवर्स हो जाता है, ठीक है?
जब प्रैक्टिकली देखा रिवर्स हो गया तो रीजन देखने की कोशिश की और ये निकाला कि ये मान लिया कि इन दोनों में शायद हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई होगी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये थोड़ा सा कम एसिडिक हो गया तो ये वाली हाइड्रोजन निकल नहीं पा रही। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में हम मानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसकी वजह से उसका एसिडिक करेक्टर थोड़ा सा कम हो गया है, मतलब इतना भी कम नहीं हुआ कि बाकियों से भी कम हो जाए, थोड़ा सा कम हो गया है। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर आते ही है बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। तो बेटा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल, मतलब ये स्टीम में उड़ के चला जाता है, भाप में उड़ जाता है, जबकि ये बाकी तीन नहीं होते। क्यों? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। और यहीं पे एनसीईआरटी ने एक लाइन दे रखी है इसी चैप्टर में जहां फिनॉल्स है कि ऑर्थो और मेटा के मिक्सचर में से ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को कैसे सेपरेट करते हैं, तो आंसर है स्टीम डिस्टिलेशन से कर देते हैं क्योंकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल। ठीक है, तो एक पॉइंट करके हम लिखेंगे, पहले आंसर लिख लेते हैं। आंसर में हम ये लिखेंगे कि फोर वाले में ना तो मीजोमेरिक है ना ही इंडक्टिव है, क्रॉस क्रॉस, और टू वाले में खाली माइनस आई है, माइनस एम नहीं है, वन और थ्री वाले में माइनस आई है और माइनस एम भी है, माइनस एम तो बराबर होते हैं और थियोरिटिकली तो माइनस आई वन में ज्यादा, बट वन वाले में एक और चीज है विच इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बेटा उसका एसिडिक कैरेक्टर। बोलो क्लियर है, डन, नोट करके लिखिए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हैज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हैज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हैज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू विच इट्स एसिडिक कैरेक्टर इज लेस देन, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हैज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग due to which its acidic character is less than paranitrophenol, orthonitrophenol mein hydrogen bonding hai due to which its acidic character is less than paranitrophenol, paranitrophenol se iska acidic character kam hai, ek point fir ek aur likhna hai hamein, theek hai, and it has less boiling point, it आया है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के लिए, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हैज लेस बॉइलिंग पॉइंट, लेस बॉइलिंग पॉइंट नेक्स्ट लाइन से लिखे हैं, इट इज स्टीम वोलेटाइल, बॉइलिंग पॉइंट कम है, ये स्टीम में उड़ सकता है, इट इज स्टीम वोलेटाइल, स्टीम वोलेटाइल, therefore mixture of ortho and para nitrophenol, it is steam volatile, therefore mixture of ortho and para nitrophenol can be separated by steam distillation, therefore mixture of ortho and para nitrophenol can be separated by steam distillation, aur ye NCERT mein isi chapter mein de rakha hai to abhi likha diya maine, aage de rakha hai, therefore it can be separated by steam distillation. Bolo bachcho, clear hai yahan tak? I hope so. Ab acidic character aapko thoda bahut samajh mein aa gaya, theek hai, ab hum iski do char reaction likh lete hain, zyada reaction nahi hai, do char hit ko likh lete hain, beta ye reaction jaise hai अल्कोहल लिया और अल्कोहल की सोडियम से रिएक्शन की, मैग्नीशियम से, एल्यूमिनियम से, किसी भी मेटल से कह रहे हैं रिएक्शन, ऐसे मेटल, तो ये देखा आर ओ एन ए बन जाता है और हाइड्रोजन अलग हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये रिएक्शन क्या प्रूफ कर रही है, इस रिएक्शन से क्या प्रूफ हो रहा है, सोच के बताओ। सोडियम से रिएक्शन की और रोना आ गया, आर ओ एन ए मतलब रोना या सोडियम एल्कोक्साइड आ गया, तो इससे क्या प्रूफ हुआ, एक एक जन्म नेटिव मतलब
समझ में आया? और बोलो कोई। ठीक है, कह सकते, वेरी गुड बेटा। इस रिएक्शन से यहाँ प्रूफ हो रहा है कि ये वाली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की है। सोडियम हमें मालूम है एक रिएक्टिव मेटल है, एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। और अगर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल यहाँ आ रहा है इसकी जगह, तो इसका मतलब यहाँ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कोई चीज थी, लेकिन थी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव। एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव को हटाएगा। तो अगर सोडियम ने हाइड्रोजन को हटाया है तो इट प्रूफ दैट हाइड्रोजन हैज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। अरे इलेक्ट्रोपॉजिटिव था तभी तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव आते ही ये हट गया, वो आ गया। पॉइंट समझ में आया है? अगर सोडियम यहाँ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, और हमें मालूम है सोडियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ की हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है एंड हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन सोडियम, इसलिए रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो दिस रिएक्शन प्रूव दैट कि ये वाली जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ी है इट हैज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। ठीक है, अभी मैंने एसिडिक कैरेक्टर नहीं कहा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का। डन। ठीक, अगली रिएक्शन ये लिखिए, ROH प्लस NaOH का बनोगो? बोलो भैया का बनोगो? ठीक है, तो ये बनना चाहिए RONa प्लस वाटर, बनना चाहिए, बनता ना। ये रिएक्शन वापस आ जाती है, ये रिएक्शन वापस आ जाती है, ये दोनों नहीं रहता। कारण ये रिएक्शन ना होना क्या प्रूफ कर रहा है, ये रिएक्शन ना होना क्या प्रूफ कर रहा है? यहां प्रूफ हो रहा है वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। क्या कैसे? ये बेस है, बेस एसिड से जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, लेकिन ये रिएक्शन हो नहीं रही, वापस आ जा रही। मतलब वाटर इस कंपाउंड को डिकम्पोज करके इन दोनों में चेंज कर रहा है। इसका मतलब ये तो हमें मालूम है ना, वो बेस ही है, तो ये एसिडिक की तरह बिहेव करना चाह रहा था। और इस रिएक्शन का पीछे आना ये प्रूव करता है कि वाटर अल्कोहल से ज्यादा, सिंपल भाषा में अगर कहें अल्कोहल में क्या लगा, आर, आर एस प्लस आई, प्लस आई एसिडिक कैरेक्टर घटाता है, वो आर वाटर में नहीं, तो ये रिएक्शन नहीं होती बिकॉज अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर। भैया वाटर वही अलग कर पाएगा जो वाटर से ज्यादा एसिडिक है, और ये वाटर से कम एसिडिक है तो नहीं। डन। लेकिन ये रिएक्शन हो जाती है कौन सी, फिनॉल की एनएओएच, फिनॉल की एनएओएच से करते हैं तो ये रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, और इससे क्या प्रूफ हुआ, फिनॉल और वाटर में फिनॉल ज्यादा एसिडिक है, तो फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन वाटर। बोलो बच्चों, मिटा दें, लिख लिया भैया, कौन किसे हटा सकता है? इट इज अ कॉमन सेंस, पावरफुल विल डिस्प्लेस वीकर, और सेम लेवल में, मतलब अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव को डिस्प्लेस करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव को, एक ही लेवल में आएंगे तभी डिस्प्लेस करेंगे, अदरवाइज मिटाओ। ठीक है, तो अब आपको ये वाला पॉइंट अगर समझ में आ गया तो ऐसे एक दो क्वेश्चन और अभी कराने हैं, वो समझ में आ जाने चाहिए। एक बार फिर सुन लेना कि कौन किसे डिस्प्लेस करता है, हमेशा सेम लेवल में बात की जाती है और एक मोर पावरफुल लेस पावरफुल को हटा दो। ठीक है, तो अब अगर हम बात कर रहे हैं, रिएक्शन से ही समझा रहा हूं अभी आपको, कि हमने अल्कोहल लिया और उसकी रिएक्शन NaOH से की, ये रिएक्शन नहीं हो रही थी। फिर हमने फिनॉल लिया और उसकी NaOH से रिएक्शन की और ये रिएक्शन हो गई, समझ में आया, हो गई। फिर हमने कहा चलो फिनॉल लेते हैं, इसकी रिएक्शन एक और एसिड के सॉल्ट से करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट, इससे करते हैं, रिएक्शन नहीं हुई। क्या प्रूफ कर रहा फिनॉल NaHCO3 से रिएक्ट नहीं कर रहा, क्या प्रूफ कर रहा? अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लेते और NaOH से या NaHCO3 से रिएक्ट करते तो ये रिएक्शन हो जाती RCONa प्लस CO2 प्लस वाटर, और यहाँ CO2 निकलती एफर्वेसेंस के साथ।
ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बताया जाए रिजल्ट नहीं आया अभी, कौन आएगा। चलो, ये रिएक्शन नहीं होती है तो हमने बता ही दिया, ये क्यों होती है ये भी बता दिया। अब यहां आपकी बात समझा बेटा, पहले एक सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, मान लो ये एक बच्चा है, ठीक है, ये कहीं खेल रहा था, ठीक है, और इसे यहाँ एक गुलाबी रंग का 2000 रुपए का नोट पड़ा दिखा, ऑब्वियसली इसने उठा लिया, डन, ठीक, इन दोनों की बॉन्डिंग हो गई, नोट इसके पास आ गया। लेट सपोज पीछे कोई और दूसरा प्राणी खड़ा था, ठीक है, वो इससे पावरफुल था, जैसे गली का बच्चा है, कोई पावरफुल प्राणी आ गया, अब क्या होगा, क्या होगा, मतलब ये मतलब क्या करेगा, ये नोट छीनेगा, बच्चा छीनेगा, कॉमन सेंस की बात है ना, मोर पावरफुल डिस्प्लेसेस लेस पावरफुल बट सेम, मतलब ये इंसान है, ये इंसान है, ये पैसा है, इस इंसान को हटा के ये बच्चा अकेला हो गया, ये 2000 का नोट इसके पास आ गया, ये अकेला हो गया, तो हमेशा अकेला कौन रह जाएगा, स्नीकर, और डिस्प्लेस करने की पावर किसमें होगी, स्ट्रॉन्गर, भैया स्ट्रॉन्गर है तभी तो डिस्प्लेस कर रहा, बोलो क्लियर है, पॉइंट समझ में आयो है। अच्छा, ये था भैया एक एसिड जिसका नाम था कार्बोनिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मिक्सचर, कार्बोनिक एसिड, ये मिला इन्हें NaOH बेस, इन्होंने रिएक्ट करके बना लिया NaHCO3 सॉल्ट वाटर अलग, बोलो क्लियर है यहां तक, तो कार्बोनिक एसिड NaHCO3 से NaOH से रिएक्ट करके सॉल्ट बना चुका है, ये वही छोटा वाला बच्चा है और ये वही 2000 का नोट है, ठीक है, इस छोटे बच्चे ने 2000 का नोट पकड़ लिया, कोई डाउट, तो कार्बोनिक एसिड ने अपना सॉल्ट बना लिया। अब एक दूसरा एसिड आया जिसका नाम था कार्बोक्सिलिक एसिड, उनने ये देखा ये कमजोर बच्चे ने अपना सॉल्ट बना रखा है, तो क्या हुआ, ये स्ट्रॉन्ग एसिड था, इनने कहा सॉल्ट तो हम बनाएंगे, तुम यहां से हटो, कार्बोनिक एसिड को हटा दिया, तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट और कार्बोनिक एसिड अलग हो गया, और एक्चुअली कार्बोनिक एसिड इज अनस्टेबल, तो ये टूट गया CO2 और वाटर, समझ में आया, तो CO2 और वाटर में टूटेगा कार्बोनिक एसिड, जब भी NaHCO3 किसी कंपाउंड में डालें और बहुत तेजी से CO2 गैस निकलने लगे, प्रैक्टिकल सोच के देखो, एग्जाम का एक लैब का, ये एक टेस्ट ट्यूब में आपने कोई केमिकल लिया है, आपने पाउडर NaHCO3 डाला, तुरंत एकदम से हिजिंग नॉइज आने लगी और CO2 निकलने लगी, इससे क्या प्रूफ हो रहा है, अगर ये CO2 निकल रही है इससे ये प्रूफ हो रहा है, जिसने भी रिएक्शन की है, जिसने भी रिएक्शन करके CO2 को निकाला है, दैट इज मोर एसिडिक देन दिस, ये छोटे बच्चे ने अपना कंपाउंड बना लिया था, इससे स्ट्रॉन्ग बच्चा आएगा तभी ये हटेगा, तो इससे CO2 निकलवाने की हिम्मत किसमें है, जो भी इससे ज्यादा है, समझ में आया, तो RCOH जब NaHCO3 से रिएक्ट करता है तो CO2 निकल जाती है, क्यों निकल जाती है, Because it is more acidic than carbonic acid. Clear है? Phenol ये reaction नहीं कराता, इससे क्या proof हुआ? Phenol ये reaction नहीं कराता, क्या proof हुआ? Phenol is less acidic than carbonic acid. Carbonic से ये कम acidic है, क्योंकि carbonic ने salt बना लिया, और इस सॉल्ट से कार्बोनिक को वही चलता कर सकता है जो कार्बोनिक से ज्यादा एसिडिक हो, और जो भी कम एसिडिक है वो नहीं कर सकता, बोलो बच्चों क्लियर है, आज इतना ही, आज की सभा, अरे बच्चों आप लोगों का जिस जिसका फीस का जो जो अमाउंट रह गया है जैसा भी है, ठीक है।